भारत में उपनिवेश स्थापित करने के लिए या एक नए मार्ग से आने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? पुर्तगालियों में सबसे पहले, तो नाम लिख लीजिए आप लोग, वास्को डी गामा। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल देश की जो थोड़ा सा भौगोलिकी है उसको आप समझ लीजिए, पश्चिम यूरोप का एक देश है ये, पश्चिम यूरोप का देश है ये, जिसकी राजधानी है लिस्बन। लिस्बन राजधानी है, और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है स्पेन, पड़ोसी देश जो है स्पेन है, फ्रांस है, ठीक है, ये इसके देश है, पड़ोसी देश है। थोड़ा सा भौगोलिकी समझ लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा इसकी लोकेशन भी। और उस टाइम की ये सर्वोच्च नेवल शक्ति थी, यानी कि नाविक बेड़ा जो था इसकी बहुत ही जबरदस्त थी, यूरोप में लोहा माना जाता था इसका। तो वास्को डी गामा जो है 90 दिन की सफर करने के बाद, 90 दिन की सफर इंडिया पहुंचे थे कब? 1498 में, 1498 में पहुंचे थे वास्को डी गामा इंडिया। और इंडिया में किस जगह पहुंचे थे? ये पहुंचे थे कालीकट, कालीकट जो कि वर्तमान में कोची और कालीकट, देखा होगा आपने मैप में, पढ़ा भी होगा, केरल, केरल की जो जगह है, इस जगह पर ये अपने बल पे नहीं पहुंचे थे। इनको जो है गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था, गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल अब्दुल मनीक। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वास्को डी गामा को राह दिखाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, नोट करते जाइएगा आप लोग। और कालीकट पे जब पहुंचा तो कालीकट का जो शासक था, कालीकट का शासक कौन था उस वक्त? कालीकट का शासक था जिसका नाम था जमोरिन। कालीकट का शासक था जमोरिन, और जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब एक विदेशी आता है, तो जब एक विदेशी व्यक्ति भारत आता है तो भारत का प्राचीनतम प्राचीनतम जो है ये संस्कृति रही है अतिथि देवो भवो की, जिसमें विदेशियों का स्वागत किया जाता है। तो जमोरिन नामक शासक जो है, जो कालीकट पे है, उसने किसका स्वागत किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा जब यहां से वापस गए, यहां पर आते ही उन्होंने व्यापार और बाकी सारी चीजों की प्रक्रिया शुरू की। यहां पर से वापस जाते वक्त वो जो चीज लेके गए थे, जो वस्तु लेके गए थे, वो थी काली मिर्च। काली मिर्च, और काली मिर्च से उन्होंने यूरोप में लगभग 60 गुना ज्यादा, मतलब जितना उन्होंने पैसा अपना क्या किया था यहां पे, इन्वेस्ट किया था उसको खरीदने में, उससे 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ, 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। ओके, नोट करते जाइएगा, 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। अब देखो, जब प्रॉफिट होता है, कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या कोई एक नई वस्तु जब मार्केट में आती है, तो उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन किस तरीके का?
कि इस काम को अगर हम फिर से करते हैं तो हमें इससे बेहतर प्रॉफिट होगा और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ हम करेंगे। तो बाकी सारे जो पुर्तगालीज थे, जो पुर्तगीज थे व्यापारी, उनका जो मनोबल था वो बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन अब सिर्फ भारत में आने का, जो पुर्तगालियों के आने का उद्देश्य दो हो जाएंगे, दो उद्देश्य हो जाएंगे। तुम उन दो उद्देश्यों के नाम लिखिए, दो उद्देश्य हो जाएंगे। दो उद्देश्य हो जाएंगे इसमें से पहला उद्देश्य है, ईसाई धर्म का प्रचार करना। और दूसरा, पुर्तगालियों यूरोपियन से पहले जो मालाबार तट है, मालाबार तट मैंने आपको समझाया है पहले ही, मालाबार तट केरल और कर्नाटक से लगा हुआ जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। इस तट पे जबरदस्त तरीके से पहले ही व्यापार फैला रखा था। किन लोगों ने? अरब व्यापारियों ने, और वेनिस के व्यापारियों ने, यहां पे पहले से व्यापार फैला रखा था। अब दो उद्देश्य हो जाएंगे किनके? पुर्तगालियों के। एक तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में लगातार बने रहना या भारत में लगातार व्यापार करते रहना, और दूसरा काम उन्होंने ये करना शुरू किया कि अरब और वेनिस व्यापारियों को यहां से युद्ध व कूटनीतियों के माध्यम से हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, युद्ध व कूटनीतियों के माध्यम से, हटाना शुरू किया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, मार्केट का फंडा है, बाजार व्यापार में यही होता है। जब तक बेहतर कंपटीशन, जब तक बढ़िया कंपटीशन नहीं होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बेहतर नहीं होगी। तो पुर्तगालियों के जो सर्वप्रमुख दो उद्देश्य रहे हैं उसमें से भारत आना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, और अरब व्यापारियों और वेनिस व्यापारियों को हटा के मोनोपोली व्यापार में एकाधिकार, एकाधिकार स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब शुरू में, एकदम स्टार्टिंग में पुर्तगाली आते हैं तो उनके दो प्रमुख क्या उद्देश्य होते हैं? तो दो प्रमुख उद्देश्यों में याद रखिएगा, ईसाई धर्म का प्रचार करना, अरब व्यापारियों, वेनिस के व्यापारियों को हटाना, और भारतीय जो व्यापार है, क्योंकि उस टाइम भारतीय व्यापार बहुत ही सशक्त था, इतना सशक्त था कि कोई व्यक्ति अगर हल्का सा भी व्यापार, छोटा व्यापार ही भारत के साथ करता था तो उससे जबरदस्त फायदा होता था, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यूरोप में बड़ी शक्ति बनने के लिए। वास्को डी गामा के बाद जो है भारत में जो दूसरा जो पुर्तगाली आया, उसका नाम है अल्ब्रेस कैब्रॉल आया 1500 में, 1500 ईस्वी में, दूसरा पुर्तगाली। क्रम पूछ लेता है पेपर में, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया। ओके, दूसरा पुर्तगाली भारत में आया, और फिर सेकेंड टाइम भी वास्को डी गामा आया इंडिया। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, क्या भारत में एक बार आया था? तो नहीं, याद रखिएगा, दो बार आया।
1502 में एक बार फिर आया। और पुर्तगालियों का अब जो मोराल है, व्यापार में फायदा, क्षेत्र विस्तार में बढ़ोतरी, उन्होंने उनका मोराल जो है, उनका जो उत्साह है, इतना बूस्ट कर दिया कि उन्होंने पहली बार इंडिया में 1503 ईस्वी में दुर्ग स्थापित किया। पहला दुर्ग स्थापित किया। दुर्ग को आज आप जो है फैक्ट्री के हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री वैसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें आधुनिक मशीनें या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है। बेसिकली ये घेराबंदी की गई एक फोर्टिफाइड एरिया होता है, जहां पर अंदर सारे लोग, खास करके जो पुर्तगाली कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग वहां पे सुरक्षित फील होते हुए वहां पे निवास करते हैं। वहां पे ऑफिस भी होगी, उनके रहने के रेजिडेंस भी होंगे और छोटे मोटे काम भी होते रहेंगे। तो याद रखिएगा, 1503 में पहला दुर्ग स्थापित किया किन लोगों ने? पुर्तगालियों ने। और कहां पे किया? तो कोची में किया। ओके, कोचीन में पहला दुर्ग स्थापित किया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। पुर्तगालियों का जो शुरुआती मामला रहा है, काफी लंबे टाइम तक उनको जो है एकाधिकार बना रहा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही आते यहां पे सबसे पहले व्यापार स्ट्रांग किया, फिर उसके बाद जो है यहां के शासकों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उन्होंने धीमे धीमे बाकी व्यापारियों को एलिमिनेट करना शुरू किया। और फिर फाइनली जब उन्हें लगा कि अब वो एकाधिकार की स्थिति में है, तो एकाधिकार की स्थिति में आते ही उन्होंने शुरुआती युद्धों की भी शुरुआत की। उन्होंने युद्ध भी लड़े, छोटे मोटे ही युद्ध लड़े, लेकिन उन्होंने लड़े क्योंकि वो उनके लिए जरूरी था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही शांति प्रिय थे। आगे लिखिए। हाँ बताइए। अब्दुल मनीक भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार का जो रास्ता था, जो रूट था, उसको जानने वाला व्यक्ति था, पथ प्रदर्शक। ठीक है, रास्ता उसी ने बताया था वास्को डी गामा को इंडिया का। ठीक है, वो गुजरात का निवासी था, उसने पहले भी कई बार टूर किए होंगे, तो उसे पता था कि ये रास्ता है नया रास्ता। क्योंकि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है टर्की का, तो भूमध्य सागर से लाल सागर की ओर आकर अदन की खाड़ी से होते हुए, अरब सागर से होते हुए ये रास्ता नहीं पता था। तो उसके बाद ही जो है नया रास्ता अफ्रीका के पश्चिम से होकर केप ऑफ उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसे बोला जाता है, उस तरफ से घूमकर जो है भारत आने का नया रास्ता मिला था। ओके, अब देखिए, जब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, तो पहले सिर्फ व्यापारियों का हस्तक्षेप था भारत में, लेकिन जब गवर्नमेंट को बेटर ऑप्शन दिखने लगे, मतलब कि वहां के राजघराना, उस टाइम राजतंत्र था वहां पे, ठीक है, मोनार्की रही है, तो जब उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला पुर्तगाली वॉयसराय भेजा। पुर्तगाली वॉयसराय भेजा जिसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये कब आए थे भारत में? जो इनका कार्यकाल था 1505 से
1505 से 1509। अब पुर्तगाली वायसराय भेजने का क्या मतलब था कि जो व्यापार कर रहे हैं लोग भारत में, जो भारत में जो पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं वो तो एक व्यापारिक परिस्थिति हो गई, लेकिन अगर उसी व्यापार का विस्तार करना है और पुर्तगाली मोनार्क का यहाँ पे नाम करना है तो राजनैतिक जो संबंध है उसको हैंडल करने के लिए किसे भेजा गया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और ये कौन थे? फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फिर नेक्स्ट जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पहला भारत स्क्वाड्रन कमांडर बना के भेजा गया। स्क्वाड्रन कमांडर बना के भेजा गया। अब जब कमांडर वगैरह भेजे जाने लगे तो समझिए कि पुर्तगाली जो है किसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, युद्ध में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। तो ये कब आए थे? फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क कब आए थे? 1503 में। 1503 में ये भारत आए थे और इन्हीं को जो है इनके जो अचीवमेंट्स बेटर थे। तो जब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 509 में जब इन्होंने वापसी की तो 1509 ईस्वी में इसी अल्फांसो दी अल्बुकर को क्या बना दिया गया? वॉयस रॉय बना दिया गया। तो पेपर में यह पूछा जा सकता है कि कौन से पुर्तगाली वॉयस रॉय थे जो भारत में पहले से थे लेकिन उन्होंने स्क्वाड्रन कमांडर का पद जो है पहले संभाला फिर बाद में वो वायसराय बने। तो नाम याद रखिएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ओके, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या स्क्वाड्रन स्क्वाड का जो हेड होता है स्क्वाड्रन। और एक बहुत फेमस कोट है जो पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक से क्या मतलब है? शुरुआती जो लोग आए रहे होंगे पुर्तगाल के, उन्होंने बेस तैयार किया, पहले व्यापार किया, फिर उन्होंने जो है कुछ बेटर कंडीशंस की, अरब और वैनिश लोगों को यहां से हटाया और उसके बाद अपने दुर्ग वगैरह स्थापित किए, राजनीतिक संबंध स्थापित किए। अब वो इस परिस्थिति में थे कि भारत के अंदर भारतीयों के साथ जो भारतीय राजा थे उनके साथ एक बराबर की जो शक्ति के तौर पे उभरने का जो मौका मिला वो किसके टाइम में मिला? अल्फांसो दी अल्बुकर्क के टाइम में मिला। इसीलिए पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि 1503 में भारत का स्क्वाड्रन कमांडर के तौर पे आया था पुर्तगालियों की तरफ से और 1509 में अपने काबिलियत के दम पे वो क्या बन गया? यहाँ का वॉइस रॉय बन गया, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ओके, यहां तक क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? और अल्बुकर्क का सबसे जबरदस्त जो अचीवमेंट है, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा कंसीडर किया जाता है स्पेशली हिस्टोरियंस के द्वारा, तो वो क्या है? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे
बीजापुर के शासक, नाम क्या था उनका? उनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह से युद्ध में गोवा जीत लिया उन्होंने, गोवा जीत लिया। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 503 कोचीन में दुर्ग की स्थापना हुई और 1510 में बीजापुर के शासक, काफी शक्तिशाली शासक आदिल शाह से युद्ध में गोवा जीत लिया। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, और जो कि एक बड़ी बात थी। ओके, आगे लिखिए, और पहली बार जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने एक नई विवाह पद्धति का प्रारंभीकरण किया इंडिया में। विवाह पद्धति का प्रारंभीकरण किया, और वो क्या था कि जो पुर्तगाली, जो मध्यम वर्गीय पुर्तगाली थे, जो भारत में मध्यम वर्गीय पुर्तगाली थे, उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने का, भारतीय महिलाओं से विवाह के साथ विवाह करने के लिए, विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इसके पीछे जो है एक जबरदस्त राजनीति थी, कूटनीति थी। वो इस तरीके से थी कि अगर भारतीय जो मध्यम वर्गीय जो समाज है उससे अगर आपके संबंध स्थापित हो जाते हैं तो आपके स्थायित्व के, आपके जो व्यापारिक और जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनमें आपके स्थायित्व के मौके ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से इस पद्धति को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो याद रखिएगा, ये किसने किया? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया ये। नेक्स्ट, अभी पहले आप लोग ऐसा करिए, पहले आप सुनिए, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये पुर्तगालियों का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, जो भी जिसे कंफ्यूजन है पूरा क्लियर करेंगे। ओके, फिर अगले जो पुर्तगाली वॉयस रॉय आया उनका नाम क्या था, नोट करिए, वॉयस रॉय आया उनका नाम था नीनू दी कुन्हा, थोड़ा सा नाम अजीब से है ना, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। 1529 में आते हैं, 1529 में आते हैं और 38 तक रहते हैं इंडिया में, और इन्होंने पुर्तगालियों की जो राजधानी है, पुर्तगालियों की जो भारत में उस टाइम जो राजधानी थी कोचीन, पुर्तगालियों की जो राजधानी है कोचीन, उसको बदलकर, कोचीन को बदलकर आप गोवा कर दी। याद रखिएगा, गोवा को कोचीन की जगह पर किसने रिप्लेस किया एज अ कैपिटल, एज अ राजधानी? तो वॉयस रॉय नीनो द कुन्हा। ओके, नीनो द कुन्हा जो कि 1529 में भारत में आए और 38 तक रहे। ओके, तीसरे वॉयस रॉय है अब आप ये समझो कि पुर्तगाली इंडिया में इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे, पुर्तगाली इंडिया में इतने ज्यादा पावरफुल होते कि वेनिस व्यापारी, जो वेनिस के जो व्यापारी थे और जो अरब व्यापारी थे, भारत में बहुत पहले से ही व्यापार कर रहे थे, उनकी कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई थी। लेकिन पुर्तगाली इतने ज्यादा सशक्त हो गए कि अरब सागर में व्यापार करने के लिए, उन्होंने जो है कार्टेज व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? कार्टेज व्यवस्था, जिसे बोलते हैं कार्टेज आर्मेडा, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति।
नोट कर लीजिएगा, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, इसको किसने, पुर्तगालियों ने लगाया कहां पर, अरब सागर में। अगर वेनिस और अरब व्यापारियों को अरब सागर में रह के भारत और उसके बीच में अगर व्यापार करना है तो ये उनके पास एक तरीके का कार्टेज क्या है, ये एक तरीके का पास है। ओके, ये कागज जिसके पास होगा वही वहां पे लेजिट माना जाएगा व्यापार करने के लिए, अदरवाइज वहां पे कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किस यूरोपियन व्यापारिक शक्ति से संबंधित है या किस यूरोपियन औपनिवेशिक शक्ति से संबंधित है, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों से संबंधित है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। और जिसके पास कार्टेज आर्मेडा जो काफिला का जो पास होता था नहीं होता था, उसे अरब सागर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, व्यापार तो दूर की चीज है, व्यापार नहीं करने दिया जा सकता था। तो यहाँ पे आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा पावरफुल हो गए थे ये लोग, पुर्तगाली जो हैं इतने ज्यादा सशक्त हो गए थे कि जो पहले से व्यापारिक वर्ग यहाँ पर मजबूत स्थिति में था उसको उन्होंने वहां से हटा दिया। अब इस कार्टेज व्यवस्था की आप शक्ति का अंदाजा लगाइए। शक्ति का अंदाजा इस तरीके से लगाइए कि एक मुगल शासक कौन, अकबर को अरब सागर में कई ऐसी जगह पे जहां पे पुर्तगालियों का क्षेत्र अधिकार था वहां पर उसे कार्टेज लेना पड़ा था। याद रखिएगा बहुत फैक्ट चीज है, अकबर जो कि मुगल सम्राट रहे हैं उनको भी ये कार्टेज जो है कार्टेज आर्मेडा लेना पड़ा था। तो याद रखिएगा कौन से मुगल शासक ने लिया था, तो अकबर ने लिया था पुर्तगालीय क्षेत्र अधिकार में व्यापार करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के तहत पासेज उन्हें और परमिट लेना पड़ा था। ठीक है, यही परमिट ही बोलते हैं इसे, परमिट लेना पड़ा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण द्वीप से सबसे ज्यादा क्या निर्यात करते थे, तो यहां से ये लोग निर्यात करते थे सर्वाधिक काली मिर्च एवं अदरक। लास्ट के जो हमारे कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं पुर्तगालियों से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट है उन्हें देखिए। पुर्तगाली जब भारत में आए तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं ले आए जो कि भारत में नहीं होती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में कि पुर्तगाली अपने साथ भारत में क्या क्या लेके आए जो कि भारत में देशज नहीं है, भारत के अंदर पहले नहीं पाया जाता था। तो उनके नाम लिख लीजिए आप, तंबाकू की खेती। जहाज निर्माण का काम पहली बार भारत में किसने शुरू किया, पुर्तगालियों ने शुरू किया, कहां पर, गुजरात में। ओके, तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इंडिया में हुई पहली बार, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई।
प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई भारत में और इसे पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। और ये प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब स्थापित किया गया था? 1556 ईस्वी में। ओके, 1556 ईस्वी में भारत में पहली बार, 1556 ईस्वी में भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस जो कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है यूरोप में पुनर्जागरण के लिए, पुनर्जागरण के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ईसाई धर्म का थोड़ा सा जो इन्होंने प्रचार किया है उसको भी देखते हैं हम लोग। ईसाई धर्म का मुगल शासक, मुगल शासक अकबर के दरबार में दो लोगों ने प्रचार किया था, उनका नाम लिख लीजिए, फादर एका बीवा और मौसेरत। ये दो बहुत ही फेमस मिशनरीज थे जिनका काम था भारत में लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना। ओके, और ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में ये दोनों गए थे। ओके, फादर एका बीवा और मौसेरत। तो ये हो गया आपका पुर्तगालियों से संबंधित सारे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फैक्ट्स हैं। यहां तक हमने सब डिस्कस कर लिया है पुर्तगालियों के बारे में, और भी बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं जो कि आप बुक से पढ़ेंगे तो आपका और क्लियर होता जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या है फैज, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? विवाह पद्धति क्या थी? जो दूसरे वर्ष